बहुत बाबा, बहुत सारे। अभी थोड़ा हटके अगर बात करें बाबा के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मतलब हिंदुस्तान में जिसको देखो बाबा, और बाबा इतना बेशरम है साला, चौड़े में मार खा रहा है, औरतों की मार खा रहा है, पब्लिक की मार खा रहा है। यार उसने कौन सी झूठ बोलने की दवा खाई है यार, इतनी हिम्मत है उसमें? मतलब कौन सी झूठ बोलने की, उसको मालूम है हिंदुस्तान में जितना झूठ बोलूंगा पब्लिक मारेगी जरूर, लेकिन मीडिया मेरे पास आएगी। वो तो फेमस हो गया भाई, बहुत फेमस हो गया, जितना बिग बॉस से फेमस नहीं हुआ साला बाहर आके इस सीजन का बाबा दुनिया को याद रहेगा। सलमान खान को बहुत प्यार करते हैं, आपने पूरे हिंदुस्तान कर दिया, आपको ज्यादा ही करते हैं, सलमान के बारे में बोला उन्होंने, तो आपको कितना बुरा? यार देखो बुरा तो लगा, लेकिन सबको पता है झूठ बात है। मतलब आईएसआई के एजेंट सलमान भाई को बता रहा है पागल, तो मतलब वो पागल ही होगा, और अंदर से बोल रहा है क्या क्या हो रहा है, अंदर मुझे जादू की दवाई दे दी, ये दे दिया, बोले जाप ले, अब तो हंसी आती है उसको। लेकिन एक चमाट का वादा किया हूं, जहां मिलेगा एक मार दूंगा। सलमान की शादी कराएगा बाबा, क्या बारात में जाएंगे आप? भाई सलमान भाई मतलब सलमान भाई खुद बाबा अगर शादी कराते तो आप बारात के लिए? आपको लगता है कि मतलब सलमान भाई के इतने बुरे दिन आ गए कि बाबा सलमान भाई की शादी कराएगा? क्या कहना चाहेंगे बाबा? यार मैं बाबा को बस ये कहूंगा, मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ कि बाबा क्या कर रहा है तू यार। लेकिन एक चमाट मारूंगा जो मैंने वादा किया है वो, बाकी मैं उसको सिर्फ ये कहूंगा कि यार मीडिया को भी अब दुनिया वालों को मतलब हंसाता बहुत है, ये बात तो सही है, लेकिन एक चीज आपकी बात, झूठ बहुत बोलता है, उसकी झूठ पे ऐसी आती है। आपकी बात से सहमत है, लेकिन 90% ये हो गया कि बाबा का फिनाले में जाना तय हो चुका है। देखो बिग बॉस वो चीज है ना भाई, जो दुनिया के मजे लेने में उसको बहुत मजा आती है, वो शो देखो, शो ही है, कितना झूठ बोलोगे दुनिया के सामने लाके खड़ा करेगा वो। लेकिन आ जाता है बाबा तो कितने लात घूसे पड़ेंगे उसको? मैं बहुत मार पड़ेगी भाई, क्योंकि बिग बॉस फिनाले में आम जनता भी बहुत आ रही है, तो उसको मार तो बहुत पड़ेगी। और वो लोग ये चाहते भी यार, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ वर्ल्ड न्यूज़।